खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि खुशी कहीं आपके अंदर ही होती है। इसीलिए इस बात को समझने की कोशिश करें कि खुद को आज में खुश कैसे आप रख सकते हैं, हर एक पल आप कैसे जी सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यही है कि आप हर पल खुश कैसे रह सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसे किसी टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट की थी, सो फाइनली आज हम उन सभी के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। जीवन जीने के लिए लगातार हम खुशी की तलाश में रहते हैं। कुछ लोग हर छोटी चीज के अंदर खुशी ढूंढ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग इसी बात के अंदर अपना पूरा टाइम बिता देते हैं कि उनका भविष्य कैसा होने वाला है। अब देखिए, भविष्य क्या होगा हमें से किसी को नहीं पता, लेकिन हमारा जो पास्ट है और जो हमारा भविष्य है वो कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट से लिंक करता है, और ये बात आप सभी मानते होंगे। लेकिन अक्सर लोग खुशियों के पीछे भागते हुए ये तक भूल जाते हैं कि खुशी उनके अंदर से ही कहीं से आती है। अगर लोग मन से ही खुश हैं तो उन्हें सब कुछ खुशनुमा ही दिखता है, लेकिन अगर आप मन से निराश हैं, आप मन से हताश हैं, चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा निराशाजनक और नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, तो आपको कुछ भी अच्छा कभी नहीं लग सकता अपनी पूरी जिंदगी में। जब आप जिंदगी में हर छोटे पल को जीना शुरू कर देते हैं तो आपको अपने जीवन से ही खुशी मिलने लगती है। इसीलिए जैसा भी पल हो उसे उस समय के अंदर जी लेना चाहिए, क्योंकि जो समय एक बार निकल जाता है वो वापस लौटकर दोबारा कभी भी नहीं आता। तो आइए अब बात करते हैं कि आप अपने आज में ही खुश क्यों रह सकते हैं और आपको क्यों अपने आज में ही खुशी ढूंढनी चाहिए। जब आप जीवन के हर पल को जी रहे होते हैं तो उस पर आपका कंट्रोल होता है। आप अपने अतीत या भविष्य पर नियंत्रण नहीं रख सकते, जैसा कि आप जानते ही हैं। इसीलिए आज पर आपका कंट्रोल होता है जो आपको खुश रख सकता है। आपको किसी बाहरी चीज से खुशी कभी नहीं मिलती है। अगर आप आज तक के अपने किए गए कामों को उठाकर देखें, या फिर आज तक आपकी जो भी एंजॉयबल मोमेंट्स हैं आप उनको उठाकर देखें, तो आपको पता लगेगा कि उस समय जब आप खुश थे तो आपकी उस खुशी का कारण आप खुद ही थे। तो ये बात तो साफ है कि आपकी खुशी की शुरुआत आपके खुद से ही होती है। इसीलिए इस बात को हमेशा समझना चाहिए कि आप ही अपनी खुशी की वजह होते हैं, अपनी खुशी का कारण आप ही होते हैं। इसीलिए कभी भी खुद को दुखी ना होने दें। अगर आप हमेशा इस बारे में सोचते रहते हैं कि भविष्य में होने वाली चीजों से आपको खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर आप कुछ ऐसे एक्शंस आज लें जिससे आपका भविष्य अच्छा हो, तो आपका ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि आगे क्या होने वाला है इस बात का किसी को भी नहीं पता है। भविष्य के बारे में सोचकर आप अपने आज को नहीं खो सकते। इसीलिए बार बार लगातार भविष्य के बारे में ना सोचते हुए अपने आज के पलों से ही खुशियों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। बहुत से लोगों की दिक्कत होती है कि वो अतीत के बारे में सोचकर अपने आज को भी भूल जाते हैं। आज में खुद को खुश रखें और आज पर अपने अतीत को कभी भी हावी ना होने दें। तो अतीत की चिंता करे बिना आपको खुश रहना चाहिए। खुश रहने के लिए किसी भी चीज की परवाह ना करें। आज में ही रहकर खुश अगर आप रहेंगे तो आप खुद तो खुश रहेंगे, इसके साथ साथ आप अपने आसपास के लोगों को भी खुशी दे सकेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि आप तुरंत अच्छा कैसे महसूस कर सकते हैं कुछ तरीकों को अपनाते हुए। हम में से हर किसी के जीवन में एक जैसी स्थिति कभी ना कभी आती है जब हम सभी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। ऐसे में हम किसी भी काम को करने में दिलचस्पी नहीं ले पाते, और इस स्थिति में ज्यादा देर तक रहने से हम तनाव का शिकार हो जाते हैं। जैसा कि हमने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि लोग डिप्रेशन का शिकार कैसे हो जाते हैं। इसीलिए आप कुछ आसान तरीकों को अपनाएं, अपने मूड को अच्छा करें और अपनी जिंदगी में बेहतर बदलावों को आते हुए देखें। आजकल हमें हर समस्या का तुरंत उपाय चाहिए होता है। हम में से हर किसी के पास समय की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत ज्यादा बिजी है। किसी ना किसी काम को लेकर लोगों को टेंशन्स बहुत ज्यादा हैं। तो हर रोज हमें काम के लिए भागदौड़ भी करनी पड़ती है, जिसके चलते कई बार हमें तनाव भी हो जाता है। तनाव का असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। इसके अलावा हम में से हर किसी के जीवन में ऐसी स्थिति होती है जब हम दुखी होते हैं। ऐसे में हम किसी भी काम को करने में दिलचस्पी नहीं ले पाते। इसीलिए ये जरूरी है कि आप कुछ आसान तरीकों की मदद से खुद को बेहतर महसूस कराएं।
तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में। सबसे पहली बात, गहरी सांस लेना शुरू करें। गहरी सांस लेने से आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। जब आपके ब्रेन में ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में होती है, तो आप बेहतर तरीके से सोच पाते हैं, चीजों को समझ पाते हैं, और आपका ब्रेन ठीक तरीके से काम करने लगता है। और जो फील गुड हार्मोन होता है, जिसे ऑक्सीटॉक्सिन कहते हैं, वो हमारा ब्रेन रिलीज करने लगता है, जिससे आप अच्छा महसूस करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज लिसन टू म्यूजिक, क्योंकि संगीत सुनने से आपके शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होते हैं, जो आपको खुशी का एहसास कराते हैं। इसीलिए तुरंत बेहतर महसूस करने के लिए आपको अपना पसंदीदा गाना जरूर सुनना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, कहीं बाहर जाएं। जब आप दुखी होते हैं तो आप किसी से भी मिलना नहीं चाहते, आप ना ही घर से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने से आप बहुत ज्यादा दुखी महसूस कर सकते हैं। इसीलिए ये जरूरी है, जब भी आपका मूड ऑफ हो, जब भी आप डिप्रेस्ड फील करें, तो आप कहीं बाहर चले जाएं घर से। पार्क में घूमने जा सकते हैं, आप जॉगिंग के लिए जा सकते हैं, आप अपने किसी दोस्त से मिलने भी जा सकते हैं, और ऐसा करने से आपको बेहतर महसूस होने लगेगा। पॉइंट नंबर 4 इज, आप अपनी कोई भी फेवरेट एक्टिविटी करें। लेकिन बहुत से लोगों में देखा गया है कि लोगों को खाना पकाना बहुत पसंद है, तो अगर आप तुरंत अपने मूड को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप घर पर ही अपने और अपने परिवार के लिए पसंदीदा खाना पकाएं। इससे आपको अच्छा महसूस होने लगेगा और आपको ऐसा करने से खुशी भी मिलेगी, क्योंकि कोई भी काम जो आपको पसंद है, जब आप उस काम को परफॉर्म करते हैं, तो आप पूरा दिल लगाकर उस काम को करते हैं, और आप एप्रिसिएशन के भूखे भी होते हैं, क्योंकि हर एक इंसान को अपनी तारीफ सुनना बेहद पसंद है। इसीलिए जब आप अपनी फेवरेट एक्टिविटी करते हैं, तब आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, और जब आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, तो सभी लोग आपकी तारीफ करते हैं, और ऐसा करने से हैप्पी हार्मोन रिलीज होने लगता है, तो आप तुरंत बेहतर फील करना शुरू कर देते हैं। एंड फिफ्थ लास्ट पॉइंट इज, मुस्कुराना शुरू कर दीजिए जब भी आपका मूड खराब हो तो। वैसे हम जानते हैं कि जब आप दुखी होते हैं, तो मुस्कुराना बेहद मुश्किल टास्क है। हालांकि जब आप मुस्कुराते हैं, तो इससे आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि आप खुश हैं, और ये हैप्पी हार्मोन मतलब एंडोर्फिन को रिलीज करता है, जिससे आपका मूड बेहतर होने लगता है। तो ये कुछ आसान तरीके थे जिनसे आप बेहतर महसूस कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। इन तरीकों को अपनाकर आप तुरंत अपने मूड को बेहतर बना सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टिप्स बहुत हेल्पफुल लगे होंगे, तो इन्हें अपनी लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए, और इस तरह के और भी बहुत सारे सेल्फ हेल्प इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए टॉपिक में। टिल देन अलविदा, जय हिंद।